नमस्ते दोस्तों, त्योहारों का मौसम आ रहा है, घर में कई तरह के मिठाइयाँ बनती है। आज हम सावन स्पेशल मैंगो बर्फी बनाएंगे, आम का बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बनाएंगे, सिर्फ 4-5 सामान के यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बर्फी के लिए एक बड़ा कटोरा नारियल का बुरादा ले लिए हैं, लगभग 300 ग्राम है, और 2 बड़ा आम का पल्प निकाल के एक कटोरा ले लिए है। आप कोई भी आम ले सकते हैं, हम मालदेव आम का पल्प निकाल के लिए हैं। और एक छोटा कटोरा चीनी ले लिए हैं, आप मिश्री पाउडर भी डाल सकते हैं, चीनी आप आम के हिसाब से लीजिएगा, आम ज़्यादा मीठा हो तो कम चीनी, कम मीठा हो तो ज़्यादा चीनी, मीठा अपने पसंद के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं बर्फी बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन ले लें, उसमें 1/2 लीटर दूध डालें। अब दूध को उबालेंगे, एक उबाल आने तक दूध को उबालेंगे। देखिए दूध में उबाल आ गया है। सबसे पहले इसमें चीनी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे ताकि चीनी दूध में अच्छे से मेल्ट हो जाए। गैस के फ्लेम मीडियम रखेंगे। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है, थोड़ा देर 2-4 मिनट और सुखाएंगे। दूध अच्छे से सूख चुका है, अब इसमें आम का पल्प डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे आम के साथ पकाएंगे अच्छे से। अब इसमें 4-5 बूंद येलो फूड कलर डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। पाँच 7 मिनट और पका लेंगे। देखिए बर्फी के लिए मिश्रण तैयार है, अच्छे से पक चुका है और गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब मिश्रण को ठंडा होने देंगे 5 मिनट। बर्फी का मिश्रण ठंडा हो गया है, 5 मिनट हो गया है। इस तरह का चॉकलेट का कंटेनर ले लीजिए या कोई प्लेट ले लीजिए या किसी भी थाली में आप बर्फी को जमा सकते हैं। सबसे पहले इसमें घी से ग्रीस करेंगे। अब इसमें मिश्रण को डालेंगे। सारे मिश्रण को कंटेनर में डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से प्लेन कर देंगे, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के चिकना कर देंगे। अब ऊपर से ड्राई फ्रूट से सजा देंगे। हल्का हल्का दबा देंगे ताकि मिश्रण में चिपक जाए। अब इसे 4-5 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे।
इसे आप बाहर रख सकते हैं या फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। इसे ढक कर फ्रिज में रख देंगे। देखिए 4-5 घंटा हो चुका है, बर्फ़ी अच्छे से जम चुका है। अब चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छा सेट हुआ है। अब इसे कट कर लेंगे। बर्फ़ी को इसी तरह से निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। देखिए सारा बर्फ़ी को एक प्लेट में निकाल लिए, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। आप इसे किसी भी त्यौहार में बना के ले सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे सावन के व्रत में भी बना के ले सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे बना के प्रसाद में भी यूज कर सकते हैं। इसे आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा रेसिपी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।